भारतीय जनता पार्टी के 12 ग्राम केंद्रों जिसमें नगर परिषद 8 पंचायतों के बूथ अध्यक्ष बूथ पालक ग्राम केंद्र प्रभारियों का प्रशिक्षण शिविर मंडल अध्यक्ष अरविंद गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। शिविर में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी व प्रदेश भाजपा सचिव एवं जिला सह प्रभारी अरुण फल्टा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ता आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कमर कस लें। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता केंद्र और प्रदेश की योजनाओं को जनता के मध्य लेकर जाएं, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इन योजनाओं का फायदा मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार ने पेंशन की उम्र 80 से घटाकर 70 की, जिससे पांतासाही विधानसभा के लगभग 3700 से अधिक लोगों को प्रति माह 1500 रुपए की पेंशन का लाभ मिला। प्रदेश सरकार ने 65 से 70 वर्ष की महिलाओं को प्रत्येक माह 1000 रुपए पेंशन दी है। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना व प्रदेश सरकार की हिम केयर योजना हजारों लोग स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना व प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना से हजारों परिवार लाभान्वित हुए हैं। अरुण फल्टा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पांवटा साहिब को एक ऐसा नेतृत्व मिला है जो पूरे प्रदेश में विकास पुरुष की पहचान रखते हैं। ये पांवटा वासियों के लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि भाजपा ऐसी पार्टी है जिसमें प्रदेश देश प्रथम पार्टी दूसरे व स्वयं को तीसरे नंबर पर रखता है। उन्होंने कहा कि सुखराम चौधरी न केवल पांवटा साहिब के नेता हैं, बल्कि पूरे जिला सिरमौर शिमला संसदीय का नेतृत्व कर रहे हैं। साथ ही उन पर पार्टी की अन्य बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। उसी तरह आप भी अपने बूथ की जिम्मेदारी को समझें और उसका पूर्ण रूप से निर्वहन करें। उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकजुट रहकर आगामी चुनावों में उतरने का आह्वान किया। प्रशिक्षण प्रकोष्ठ जो हमारा है, उन्होंने प्रशिक्षण आयोजन लिया था, जिसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, प्रदेश स्तर के बाद पार्लियामेंट्री स्तर पर और पार्लियामेंट्री के बाद जिला स्तर पर जो है प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। और उसमें पार्टी के दिशा निर्देश थे कि हम मंडल स्तर पर जो है, जो हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता त्रिदेव की जिनको हमने संख्या दी है, बूथ पालक अधीक्षक दिए हुए, उनके जो है ग्राम सह केंद्र अलग अलग जोन बनाकर जो है प्रशिक्षण शिविर लगाएंगे। उसी कार्यक्रम के तहत भाजपा मंडल पौंटा ने जो है चार जोन में पौंटा को विभाजित किया। प्रथम प्रशिक्षण शिविर हमारा जो है राजपुर में 20 बूथों का, द्वितीय शिविर जो है 2 तारीख को भगवानी साहब में 17 बूथों का, और 26 बूथों का प्रशिक्षण वर्ग जो है पूर्वाला पंचायत में 19 तारीख को आयोजित किया गया था। और उसके अंतिम उसमें जो है आज 40 बूथ 9 पंचायतें और नगर परिषद एरिया जो हमारा बचा था उसमें जो है सभी ग्राम केंद्रों के हमारे 12 यहाँ पर जो थे उनके बूथ पालक अध्यक्ष डीएलए और आईटी के संयोजक और प्रमुख कार्यकर्ताओं का जो है प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया गया, जिसमें आगामी 2022 के चुनाव को लेकर संगठनात्मक दृष्टि से लोगों को जागरूक करना, सरकार की जनहित नीतियां जो इस समाज के हमारे लास्ट पायदान तक जो व्यक्ति बैठा है उन तक जो नीतियां सरकार की हैं, जो योजनाएं सरकार की हैं, उनको भली भांति जो है प्रत्येक घर में पहुंचाया जाए, इस उद्देश्य के साथ जो है प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया और कार्यकर्ताओं को आगाह किया गया कि आप देवतुल्य कार्यकर्ता हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं, जिनके बलबूते पर पूर्व में भी हमने चुनाव लड़ा था और इस बार भी हम चुनाव लड़ेंगे। निश्चित रूप से जो है 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पीट करेंगे और पौंटा से भारी मतों के साथ आदरणीय चौधरी सुखराम जी को जो है विजय बनाकर पुनः विधानसभा। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए पांवटा साहिब से देवांश शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।